जय हिंद। आप सभी साथियों को आजाद समाज पार्टी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, एएसपी चंद्रशेखर आजाद रावण, जो अभी जाकर के सदन में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और गरीबों के एक मसीहा बन चुके हैं। इसी के साथ अभी जो है सदस्यता अभियान चल रहा है आजाद समाज पार्टी का पटना में, और अभी जो है प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के जवाहर आजाद साहब हैं और प्रदेश संयोजक भीम आर्मी के अमर ज्योति जी हैं। आइए जानकारी लेते हैं कि आखिर ये सदस्यता अभियान आज ही दिन क्यों, खास क्यों है आज। सबसे पहले स्वागत है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के दर्शकों का। सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है, कोई खास दिन नहीं है। हर दिन बिहार के किसी न किसी कोने में बहुत सारे लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। तो आज बहुत सारे अन्य दलों से, जीतनराम मांझी जी के पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और MIM के युवा जिला अध्यक्ष गया के, और तमाम राजद के और कई अन्य दलों के लोग आज आजाद समाज पार्टी कांसीराम की सदस्यता ग्रहण किए हैं। तो ये प्रक्रिया सतत चल रही है और आपको आने वाले दिनों में भी दिखेगा कि कई अन्य दलों के जो बिहार के पार्टियां हैं उसके कार्यकर्ता पदाधिकारी आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बड़ी संख्या में जो है आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया जा रहा है, कई सारे लोग जो है, कई सारे युवा हैं, कई सारे नेता हैं, वो आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं। इसमें खास वजह क्या है, क्या लग रहा है? खास वजह यही है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का जो काम करने का स्टाइल है, पिछले 10 सालों में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने और तमाम पदाधिकारियों ने पूरे देश के अंदर दिखाया कि इस देश में जब भी शोषण, जुल्म, अत्याचार किसी कमजोर पे, शोषित पे, वंचित पे, पिछड़े पे, दलित पे, महिला पे, आदिवासी पे या किसी भी वंचित तबके पे इस देश के अंदर कहीं भी अन्याय हुआ है, तो इस देश में सबसे ज्यादा मजबूती से कोई अगर संगठन, कोई अगर नेता, कोई कार्यकर्ता, कोई पदाधिकारी इस देश में खड़ा नजर आया है तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी है और चंद्रशेखर आजाद जी है। इससे प्रभावित हो करके पूरे देश के लोग, बिहार ही नहीं पूरे देश के लोग आजाद समाज पार्टी की सदस्यता लेने के लिए होड़ मची हुई है और भारी संख्या में लोग पार्टी से जोड़ रहे हैं। कुछ नया काम अनाउंस करने वाले हैं आपसे? नया काम अभी तत्काल यही है कि भीम आर्मी के तरफ से बिहार के 2 जिले हैं जहां पे घटनाएं बढ़ी हुई है, बहुजनों पे अत्याचार बढ़ा हुआ है, शोषण का, हत्या का लगातार सिलसिला जारी है, वहां पे 2 जिले में अभी हम लोग वहां DM का घेराव करने वाले हैं। एक है बक्सर, बक्सर में 6 सितंबर को वहां पे हम लोग DM का घेराव करेंगे, क्योंकि एक हमारे समाज के बहुत ही मजबूत स्तंभ थे आजाद पासवान, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो उस मामले को लेकर अभी तक उसमें अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कोई कुर्की जब्ती नहीं हुई है, उनको परिवार को किसी को सुरक्षा नहीं मुहैया कराया गया है, ना कोई लाइसेंसी हथियार का लाइसेंस दिया गया है उनको। तो तमाम मुद्दों को लेकर के 6 सितंबर को हम लोग बक्सर के DM का घेराव करेंगे आक्रोश मार्च के माध्यम से, और 4 सितंबर 2024 को भोजपुर जिला के आरा मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पे वहां भी आक्रोश मार्च, पैदल मार्च करके वहां भी भोजपुर के DM का घेराव किया जाएगा, क्योंकि भोजपुर जिले में भी कई घटनाएं लगातार हमारे संज्ञान में है जो वहां पे दलितों पे, पिछड़ों पे वहां घटित हुई है, और उस मामले में अभी तक न्याय जो है नहीं मिल सका है, पुलिस की उसमें कार्रवाई जो है संदिग्ध प्रतीत होती है, कहीं ऐसा नजर आता है कि अपराधियों से पुलिस का साठगांठ है। तमाम मामलों को देखते हुए उन दोनों जिला के जिला अधिकारी जो है, जो प्रशासन के शासन के मुखिया हैं, उनको घेराव करके हम लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि हमारे लोगों की रक्षा सुरक्षा करने में कहाँ दिक्कत आ रही है, आखिर क्यों हमारे लोगों के साथ इस तरह का दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग उनका घेराव करने वाले हैं। आखिर इस तरीके से देखा जाता है कि मतलब भारत में सबसे ज्यादा हमारे ही बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर न्याय भी नहीं मिल रहा, जिस तरीके से निर्भया कांड हम लोग देखे, ऐसे कैसे मामला, कई सारे मामलाओं को हम लोग देखे। देखिए, इस देश का जो सामाजिक स्थिति है वो एकदम से आज भी भारत की आजादी के 78 वर्ष बीतने के बाद भी इस देश के जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं
जिनके दिमाग में ऊंच और नीच की भावना भरी हुई है, उनकी भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है। इस देश में जब से संविधान लागू हुआ कोई ऊंच और कोई नीच नहीं है, लेकिन जो भारत के आज़ादी के पहले तथा कथित ऊंच जाति कहलाते थे उनकी मानसिकता आज भी वैसी है, जो अपने नीचे के लोगों को हमेशा दबा करके उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करते हैं और कानून का भी डर उनको नहीं होता है, चूंकि प्रशासन, शासन, बड़े अधिकारी, कोर्ट और तमाम जगहों पे उन्हीं के जातियों के जो संबंधित लोग हैं वो भरे पड़े हैं, इसलिए वो कानून को भी अपनी कठपुतली समझते हैं कि आज मैं हत्या कर दूंगा, आज मैं बलात्कार कर दूंगा, कल कोर्ट जाएगा, वहाँ पे हम इसको केस में पैसा देकर मैनेज कर लेंगे, जज को खरीद लेंगे, थाना को खरीद लेंगे, और तमाम चीज़ों को देखते हुए वो लोग हमेशा से शोषित दलितों को दबाने का प्रयास करते रहते हैं। इससे ये घटनाएं हो रही हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने 11 सितंबर 2024 को जो इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसला आया है, वर्गीकरण, उपवर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, क्रिमिनल लेयर का, उन तमाम मुद्दों और देश में तमाम जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे मुजफ्फरपुर में रूपा हत्याकांड हो या अभी मध्य प्रदेश कटनी का मामला हो या कोई भी मामला इस देश के अंदर घटित हुआ हो, उत्तर प्रदेश में दो दलित लड़कियों को मार करके उसकी हत्या करके पेड़ में टांग दिया गया एक ही दुपट्टा से, ये तमाम मामलों को लेकर 11 सितंबर 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान में भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बड़ा आंदोलन का आह्वान किया है और उसमें इस देश के लाखों लोग शामिल होने जा रहे हैं और इस देश की सरकार को हम लोग घुटने पे झुकाने का काम करेंगे और अपनी मांगों को हम लोग मजबूती से रख करके सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, हमारे साथ जो है जवाहर आजाद साहब भी हैं, इनसे भी राय लेते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत शुक्रिया। अभी देखिए, आज़ाद समाज पार्टी में जितने भी शोषित समाज हैं वो अपने घर आ रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि अभी मैं नालंदा में, वैशाली में सदस्यता करा के आया हूँ, पटना में भी 5 अगस्त को हुआ था और आज भी हो रहा है। MIM के युवा जिला अध्यक्ष हैं गया से, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन कर ली है। हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने लोगों के साथ, समर्थकों के साथ पार्टी ज्वाइन की है। तो मैं ये चाहूँगा, हम आप मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, आज इन लोगों के वक्तव्य को जाने किस वजह कर इन लोगों ने पार्टी का दामन थामा। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम शहनशाह अख्तर खान हुआ, मैं MIM युवा जिला अध्यक्ष, आज मैंने आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किया है, ठीक है ना। और आपको आज़ाद समाज पार्टी में क्या कुछ अच्छा दिखाई दिया कि आपने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं? आज़ाद समाज पार्टी में अच्छा, सबसे पहली चीज़ अच्छा ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो एकदम गरीब, दबा कुचला, पिछड़ा वर्ग, कमज़ोर वर्ग के लिए वो खड़े रहते हैं हर समय, हर वक्त, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, उससे कोई मतलब नहीं। यही चीज़ मुझे अच्छी लगी। आपको ऐसी पार्टी चाहिए जो सारे लोगों को, आवाज़ों को उठाए? जी, हमको ऐसी पार्टी चाहिए, मैं उस पार्टी के साथ काम करना चाहूँगा जो कमज़ोर वर्ग के साथ खड़ा हो। मेरा नाम हुआ कृष्णा राम जी, हम पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं, हम के जीताराम जी के साथ, और शाहपुर विधानसभा जनरल कंस्टिट्यूंसी के विधायक प्रत्याशी थे 2020 में। और चंद्रशेखर भाई गरीबों का मसीहा, गरीबों की आवाज़, तब के तमाम समाज के लोगों की आवाज़ है, वंचितों की आवाज़ है। मैं इनके विचारधारा से मैंने आज सदस्यता ली हूँ कि बाबा साहब के विचारधारा और करवा को, भगत सिंह के विचारधारा करवा को, क्रांति को लाने वाला, इनमें जुनून, जज्बा आया और ईमानदार प्रवृत्ति के लोग हैं, इनमें मेहनत करते हैं। तमाम बिहार के लोगों को, तमाम भारत के लोगों को वंचित नहीं की जाएगी, उनके मेहनत के प्रति उनकी भागीदारी मिलेगी। आपके पार्टी के जिस तरह जीतन राम मांझी यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका ये कहना है कि भाई SC ST के जो आरक्षण मिला उसके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों? वो जीतन राम मांझी अपने परिवार के नेता निकले और आरक्षण की बात हुई, जो सरकार का आदेश है क्रिमिनल, उसमें क्रिमिनल में जो SC समाज में रविदास और पासवान, ये मजबूत दिखाई दिया, इनके चलते वो कमजोरी को पाने के लिए सोचे कि क्रिमिनल हटेगा तो मेरे मुसहर जाति के लोगों को भागदारी ज़्यादा मिलेगा। और जीतन राम मांझी आदरणीय जो नेता हमारा रह चुके हैं, वो दलित में
मैं रविदास और पासवान को घर विरोध करते हैं, कभी उनको आगे बढ़ने का काम नहीं किए हैं। पार्टी छोड़ने का रीजन तो ये नहीं हुआ। हाँ, यही तो रीजन नहीं है। हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जितने कार्यकर्ता दलित कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता है, वो टिकट बेचने का काम करते हैं, हमारे आदरणीय नेता है। जिस तरीके से आपने देखा कि आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी, इसका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी की पार्टी है ये, और कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ जिस तरीके से शोषण होता है, उस शोषण के विरुद्ध हमेशा आवाज़ उठाए भी हैं और अभी जो है पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी आजाद समाज पार्टी का ये बार बार जो है देख रहे हैं हम लोग कि कई सारे पार्टी से लोग निकल करके, नेता निकल करके आजाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आखिर क्या रीज़न है? अगर आप आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।